हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ओरा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि आज मैं दोनों एक्सरसाइज करवाऊंगी, 3.3 एंड 3.4। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं पीडीएफ लिंक डाल रही हूँ तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ही सॉल्व करवाऊंगी, चाहे लेक्चर ज़्यादा बनाना पड़ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। जितने भी होते हैं देखते हैं, अगर थर्ड एक्सरसाइज जल्दी कवर हो जाती है तो फोर्थ स्टार्ट कर लेंगे, ओके। अदरवाइज अलग लेक्चर बना देंगे 3.4 का। इसमें आपको 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक्सपैंड ई रेज टू पावर एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन। देखिए, टेलर थ्योरम जो सीरीज हमने पढ़ी है उसको आप कैसे कर सकते हो, दूसरी फॉर्म में हमें उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, इसको मुझे एक्सपैंड करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स में मैंने एच ऐड कर लिया, एच ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अलग कर लेते हैं और प्लस एच ये लगने देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इन पावर ऑफ एक्स माइनस एच, इसकी पावर में निकालना है। अब आपको ये समझना है कि ये पावर कब आती है। पहले तो ये देखिए, एफ ऑफ एच को इधर लिख सकते हैं, एच प्लस एक्स माइनस एच। ओके, ये क्लियर हुआ, एफ ऑफ एक्स को मैंने रिड्यूस कर दिया एफ ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच में। अब अगर मैं टेलर सीरीज की बात करती हूँ, क्या होता है, एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पे देखिए किसकी पावर में चल रहा है, हमारे पास यहाँ पे एच की पावर वन है, यहाँ पे एच की पावर टू है। तो इस प्लेस पे जो हमें पूछा गया है x माइनस एच पावर आनी चाहिए, दैट मीन्स h के प्लेस पे नंबर आना चाहिए x माइनस एच। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं, f ऑफ x को मैंने ये लिखा f ऑफ x, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं h ऐड और सब्ट्रैक्ट करके x माइनस एच में, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे दिस क्वांटिटी x माइनस एच, इसको तो मैं यहाँ पे h रख लेती हूँ, और ये किसके अगर मैं कंपेयर करूँगी तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी x की। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं, दिस इज़ द x एंड h की वैल्यू हो जाएगी x माइनस एच। इसको ओपन करिए आप, सबसे पहले f ऑफ x, f ऑफ x मीन्स f ऑफ h प्लस h डैश, h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x माइनस h, f डैश दिस h, समझ गए। यहाँ पे x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जिसकी पावर में पूछा गया है हम उसको वही बना लेंगे x में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आएगा x माइनस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल f डबल डैश एच प्लस अप टू सॉन। अब यहाँ पे देखिए पावर किसकी बढ़ती जा रही है, x माइनस एच वन पावर, टू पावर, नेक्स्ट टर्म में थ्री पावर, फोर पावर, तो किसकी टर्म में आ रही है, x माइनस एच की पावर में। तो हमने ये सीरीज बना दी। ठीक है, ये है अनदर फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ई रेज टू पावर एक्स दे रखा है और कहता है कि एक्स माइनस वन की पावर में इसको एक्सपेंड कीजिए। एफ एक्स क्या है, ई रेज टू पावर एक्स। ऑल राइट, एफ ऑफ एक्स को अभी जिसकी पावर में आपको लेना है, एक्स माइनस वन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को मैं चेंज करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स में वन ऐड करना पड़ेगा, वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स माइनस वन बनाना है। और एक्स माइनस वन कब आएगा, जब ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को हम इकट्ठा ले लेंगे क्योंकि हमें इसकी पावर में चाहिए एक्स माइनस वन की, प्लस वन। ओके, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब चलते हैं, अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए। ये वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इस सीरीज से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आप यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, अगर आपको एक्स में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे ए ले लीजिए।
अब इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए, ये ए की वैल्यू हो गई और एच इज एक्स माइनस वन। ये हमेशा आपको एच की वैल्यू बनानी है, जिसकी पावर में पूछा जाएगा उसको आप बनाइए एच की वैल्यू, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए की वैल्यू वन और एच की वैल्यू एक्स माइनस वन, और इसकी सीरीज ओपन कर दीजिए टेलर सीरीज, क्या आएगा एफ ऑफ ए, सबसे पहले एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ऑफ वन प्लस एच डैश, एच डैश सॉरी एच डैश टू पावर वन है, ये डैश नहीं है एच, एच यहाँ पे कितना है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एफ डैश वन प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन प्लस एफ टू सॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ वन, एफ डैश वन, एफ डबल डैश वन। इसके लिए कहाँ जाएंगे, फंक्शन, फंक्शन क्या दे रखा है e रेज टू पावर x। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको एफ डैश x निकालना पड़ेगा, दिस इज e रेज टू पावर x, एफ डबल डैश करेंगे यही डेरिवेटिव होता है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ट्रिपल डैश करेंगे दिस इज ऑल्सो e रेज टू पावर x। ओके, जितने टर्म आप लेना चाहें आगे क्यूब में आ जाएगा, जहाँ तक आप ओपन कर सकते हैं। एफ ऑफ वन की वैल्यू e रेज टू पावर 1 इज e, ऐसे ही एफ डैश 1 की वैल्यू निकालिए, ऐसे ही एफ डबल डैश 1 की वैल्यू निकालिए, ऐसे ट्रिपल की आ जाएगी एफ ट्रिपल डैश वन, सबकी वैल्यू ई आ रही है। यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज, ई प्लस एक्स माइनस वन इंटू ई प्लस एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे वन आएगा भाई, टू नहीं आएगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ये भी इसकी वैल्यू भी ई है। ऐसे ही आगे वाली टर्म अगर आप लिखते हैं एक्स माइनस वन क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल ई प्लस अप टू सॉन, यहाँ से आप ई कॉमन ले सकते हैं, देन वन प्लस एक्स माइनस वन, ई हमने कॉमन ले लिया ना, प्लस एक्स माइनस वन स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस वन क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। अब यहाँ पे देखिए किसकी पावर में चल रहा है, पहले एक्स माइनस वन की पावर वन, फिर टू, फिर थ्री अप टू सॉन, तो हमने निकाल दी ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपको ए रेज टू पावर एक्स, वो भी आपको एज इट इज करना है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ए की पावर एक्स होगा, डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे ए रेज टू पावर एक्स ले लेती हूँ, ठीक है, देन डेरिवेटिव करोगे आप इसका एफ डैश एक्स, क्या बनेगा ये ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए स्क्वायर, एक हमारे पास ऑलरेडी है, दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब में, फिर आप क्या करेंगे एक्स के प्लेस पे वन पुट करेंगे, देन ए इंटू लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ ए स्क्वायर, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर से वहीं आपको पुट करना है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालिए, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग ऑफ एक्स और हमें पावर चाहिए एक्स माइनस के, तो सबसे पहले तो आप इसकी सीरीज ओपन कर लीजिए, ठीक है, आगे सॉल्व बाद में करना, पहले आप इसकी जो जिस पावर में निकालनी है आप वो बना लीजिए, कैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स को आपने लिखना है एक्स प्लस के माइनस के, यानी मैंने के ऐड कर दिया, के सबट्रैक्ट कर लिया, ओके। इसकी पावर में चाहिए तो मैं इसको लिखती हूँ एफ ऑफ के प्लस एक्स माइनस के, लिख सकते हैं x माइनस के यहाँ पे और k यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी टेलर सीरीज होती है a प्लस एच से, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी k, a इज अ k एंड h इज x माइनस के, ओके। अगर आप इसको ओपन करते हैं एक्सपेंशन इसकी, देन f ऑफ k प्लस ये h की वैल्यू हो जाएगी x माइनस के एफ डैश के प्लस एक्स माइनस के स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश के प्लस एक्स माइनस के क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश के प्लस अप टू सॉन। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से एफ ऑफ के, मीन्स आप एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे एक्स के प्लेस पे के वैल्यू, आपको एफ ऑफ के मिल जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे वन बाय एक्स, एफ डबल डैश एक्स करिए माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस हो जाएगा टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से के पे वैल्यू निकाल लीजिए एफ ऑफ के
एक्स के प्लेस पे के रखते हैं तो लॉग ऑफ के आ जाएगा, एफ ऑफ एफ डैश के ये जो 1 बाई के, जहाँ पे भी एक्स होता है वहाँ पे हम के पुट कर देंगे, एफ डबल डैश के माइनस 1 बाय के स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश के 2 अपॉन के क्यूब। इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी आपको सबकी। अब ये वैल्यूज आपको उठा के और सीरीज में पुट कर देनी है, एफ ऑफ के, एफ डैश के, एफ डबल डैश के, एक्स माइनस के, एक्स माइनस के स्क्वायर। इसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारी पावर, इस पावर में तो हमें चाहिए ना, एक्स माइनस के की पावर में। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ के, एफ डैश के, एफ डबल डैश के और एफ ट्रिपल डैश के, एंड टू सॉल्व एज इट इज। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, 3x² माइनस 5x+7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू की पावर में आप इसको एक्सपेंड कीजिए। ओके, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x+7, और आपको किसकी पावर में निकालना है, एक्स माइनस टू। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू। ऑल राइट, इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू, दिस वैल्यू इज ए एंड दिस वैल्यू ऑफ एच। ये एक कंपेयर करेंगे ना एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू मिल जाएगी और एंड दिस वैल्यू ऑफ एच। क्योंकि आपको जिस पावर में पूछा जाता है वो पावर जो वैल्यू होती है वो एच होना चाहिए हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे एक्स माइनस टू को एच लेते हैं, ना कि हम ए लेंगे। ओके, एक्सपेंड करते हैं इसको, एफ ऑफ ए होता है एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू एफ डैश टू प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश टू प्लस टू तक ही सॉल्व करवा देती हूँ मैं, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। एफ ओफ एक्स इज ए 3। ओके, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिनॉमियल है तो कहाँ तक आपका डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनॉमियल गिवन है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स इज 6x माइनस 5, एफ डबल डैश एक्स इज 6 एंड ट्रिपल तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही हो जाएगा, ये ट्रिपल डैश एक्स करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ ऑफ टू, मीन्स आपको एक्स के प्लेस पे टू पुट कर देना है, 3 × 2² माइनस 5 × 2 प्लस 7। ओके, 12 माइनस 10 प्लस 7 9। एफ डैश टू निकालते हैं, यहाँ पे रखेंगे 6 × 2 माइनस 5, 12 माइनस 5, ठीक है 7। एफ डबल डैश टू निकालिए, इज 6 एंड ट्रिपल तो ज़ीरो है यहाँ पे, और इनकी वैल्यूज उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, निकल जाएगा आपका एक्स माइनस टू की पावर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी पॉलिनॉमियल है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास पूछ रखा है कि इन द पावर ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू की पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को फिर से हम वही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू, जिसके भी पावर में पूछा होता है उसी को आप एच बनाएंगे, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और यही कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आ गए, माइनस टू हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स प्लस टू, जिसकी पावर में पूछा जाएगा उसी को यहाँ पे अलग कर लीजिए, और जो नंबर हमारे पास बच गया यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर, जो भी रिमेनिंग टर्म है दिस इज अ ए। अब यहाँ पे माइनस टू है तो आपको माइनस टू ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू ही ले लेंगे जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर थी एक्स माइनस टू और यहाँ पे पावर है एक्स प्लस टू। ओके, एक्सपेंड करेंगे इसको, ये ए हो गया, ये हमारा एच हो गया, एफ ऑफ ए होता है मीन्स एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच यानी कि एक्स प्लस टू इंटू एफ डैश माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ट्रिपल डेरिवेटिव तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है हमारा, ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x² प्लस 7x प्लस 5, एफ डैश एक्स निकालिए 8x प्लस 7, डबल डैश एक्स देखिए 8
एंड ट्रिपल हो जाएगा ज़ीरो। अब आप किस पे निकालेंगे, माइनस टू पे। यहाँ पे टर्म आपको माइनस टू पर निकालनी पड़ेंगी। एफ ऑफ माइनस टू करते हैं, फोर इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस टू प्लस फाइव, ओके सिक्सटीन माइनस फोर्टीन प्लस फाइव सेवन हो गया। ओके एफ डैश माइनस टू करते हैं तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, एट ऑफ माइनस टू प्लस सेवन माइनस सिक्सटीन प्लस सेवन, ठीक है नाइन। एफ डबल डैश माइनस टू, यहाँ पे एक्स की टर्म है ही नहीं, डायरेक्ट हमारा एट आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को उठाएंगे हम, पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव। इसको आपने एक्सपेंड किया किस में, एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू रखी यहाँ पे, सेवन प्लस एक्स प्लस टू इंटू एफ डैश माइनस टू, एफ डैश माइनस टू इज अ नाइन, नाइन हम आगे ले लेते हैं, नाइन इंटू दिस प्लस एफ डबल डैश टू माइनस टू, एफ डबल डैश माइनस टू इज अ एट, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल मीन्स टू और कैंसिल आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको आपको यहीं तक छोड़ देना है क्योंकि हमें एक्स प्लस टू के पावर में इसको शो करना है। देखिए क्वेश्चन सेकंड इज एक्सपेंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्स माइनस पाई बाय टू की पावर में यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए, इसकी सीरीज निकालिए साइन एक्स की। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को चेंज करिए आप इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू, तो हम एक्स में पाई बाय टू ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो माइनस वाली टर्म है एक्स के साथ लेके जाइए क्योंकि हमें एक्स माइनस पाई बाय टू बनाना है, तो पाई बाय टू प्लस एंड एक्स माइनस पाई बाय टू में इकट्ठा कर लेती हूँ दिस, ओके देन ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी एच की वैल्यू हो गई, एक्सपेंड कर दीजिए। एफ ऑफ पाई बाय टू यानी कि एफ ऑफ ए होता है स्टार्टिंग में प्लस एच इंटू, एच कितना है एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू एफ डैश पाई बाय टू प्लस, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, प्लस एक्स माइनस पाई बाय टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश पाई बाय टू प्लस अप टू सेवन, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज निकल जाती है, आपको वैल्यू चाहिए एफ ऑफ पाई बाय टू एफ डैश पाई बाय टू एफ डबल डैश पाई बाय टू। तो एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालिए कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स, और ट्रिपल की टर्म अगर लिखना चाहो तो थर्ड डेरिवेटिव कर लीजिए इसका, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पाई बाय टू रखेंगे फोर्थ भी लिख ही लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस, और माइनस का डेरिवेटिव एक और आएगा यहाँ पे, कॉस का माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पे, यानी अगर मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ पाई बाय टू की, तो मैं एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे पुट करूँगी पाई बाय टू, यानी साइन पाई बाय टू इज अ वन। एफ डैश पाई बाय टू निकालेंगे, ये आ जाएगा कॉस पाई बाय टू ज़ीरो। एफ डबल डैश पाई बाय टू दिस इज माइनस साइन पाई बाय टू इज माइनस वन, और ट्रिपल पे अगर आप निकालते हैं दिस इज माइनस कॉस पाई बाय टू ज़ीरो, और फोर्थ पे आ जाएगा पाई बाय टू इज फोर्थ इज पाई, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को सीरीज में रख दीजिए, यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू, एफ ऑफ पाई बाय टू इज अ वन, वन प्लस एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू एफ डैश पाई बाय टू की वैल्यू देखिए यहाँ पे ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस स्क्वायर में सुनते हैं एक्स माइनस पाई बाय टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाय टू, डबल डैश इज अ माइनस वन, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, इससे इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, एक्स माइनस पाई बाय टू क्यूब एंड थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड एफ ट्रिपल डैश इज अ ज़ीरो, और नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स माइनस पाई बाय टू रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल एफ
फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाय टू इज ए वन प्लस अप टू सॉल्व सॉल्व करते हैं इसको, वन ये टर्म जीरो, ये आ जाएगी माइनस की, माइनस एक्स माइनस पाई बाय टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल कितना होता है, टू होता है। नेक्स्ट टर्म फिर से जीरो, ये आ जाएगी प्लस एक्स माइनस पाई बाय टू रेज टू पावर फोर एंड फोर फैक्टोरियल इज 24 प्लस अप टू, तो इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को इन द पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स दे रखा है, प्रूव करना है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो ये एक्सपेंशन आती है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप किसकी पावर में इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको सिर्फ देख के आइडिया हो जाना चाहिए। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसकी पावर में हम इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू होती है प्लस एच इन टू एफ डैश ए की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस टू, फिर इसकी पावर टू जा रही है, फिर थ्री जा रही है, इसका मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स को आपको करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू, समझ गए। तो एफ ऑफ एक्स आप इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस टू माइनस टू, एंड एक्स माइनस टू की पावर में निकालेंगे ना, देन टू प्लस एक्स माइनस टू, दिस इज ए एंड दिस इज एच, एक्सपेंड कर दीजिए एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू इन टू एफ डैश टू एक्स माइनस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश टू एक्स माइनस टू क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश टू, ट्रिपल डैश तक ही निकाल रखा है हमने यहाँ पे जो प्रूव करना है। ठीक है, अब तो सॉन इन्फिनिटी, अब यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए एफ ओफ टू की, एफ ओफ एक्स दे रखा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो हमारा एफ ओफ एक्स होता है, कंपेयर करेंगे इसे तो एफ ओफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से, वन बाय साइन एक्स इंटू, क्योंकि ये एंगल है लॉगरिथम का, तो वन बाय साइन एक्स और साइन का करेंगे कॉस एक्स, कॉस बाय साइन क्या होता है कोट एक्स होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालिए, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, एफ ट्रिपल डैश इज माइनस टू इंटू कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट सॉरी टू पावर आगे आ जाएगी ना कॉसिकेंट एक्स, और कॉसिकेंट का एक्स का डेरिवेटिव करेंगे बेस का, ये होता है माइनस कॉसिकेंट इंटू कोट एक्स। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस टू इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स, समझ गए, ट्रिपल तक हमें निकालना है। अब यहाँ पे आप टू पे वैल्यूज निकालिए क्योंकि हमें इनकी वैल्यू टू पे चाहिए होती है, एफ ऑफ टू की वैल्यू देखिए यहाँ से लॉग ऑफ साइन टू, जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे आप टू पुट कर देंगे, एफ डैश टू की निकालते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू है कोट एक्स, यहाँ से आ जाएगा कोट टू, डबल डैश टू के निकालते हैं माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर टू, और लास्ट में आता है एफ ट्रिपल डैश टू पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर इंटू टू इंटू सॉरी ये इसका एंगल है इंटू नहीं है ये इसका एंगल है कॉसिकेंट स्क्वायर टू, एक्स एंगल था ना यहाँ पे हमने टू पुट करना है और यहाँ से आ जाएगा कॉट टू, समझ गए। अब इन सब की वैल्यूज़ को उठाइए और यहाँ पुट करना है आपको एफ ओफ एक्स, एफ ओफ एक्स हमारा कितना है यहाँ पे एफ ओफ एक्स है यहाँ से लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एफ ओफ टू की वैल्यू, एफ ओफ टू हमारे पास कितना लॉग ऑफ साइन टू, लॉग ऑफ साइन टू एफ डैश टू, एफ डैश टू दिस इज कॉट टू, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस एक्स माइनस टू इंटू एफ डैश टू की वैल्यू आ जाएगी कॉट टू, और प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर लेंगे टू आ जाएगा और डबल डैश पे आ जाएगा माइनस कॉसिकेंट, तो आप इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर टू, एंड लास्ट हम जो एक्स माइनस थ्री यहाँ पे ये तो है ही हमारे पास एक्स माइनस टू रेज टू पावर क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल होता है सिक्स। ठीक है, और एफ डबल डैश टू की वैल्यू देखिए ट्रिपल डैश की,
ट्रिपल डैश के हमने ये निकाल रखी है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे इंटू टू इंटू कॉट टू इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर टू, टू से सिक्स कैंसिल, थ्री आ जाएगा। तो यही एक्सपेंशन आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जाम्पल भी है ऐसा ही, तो उनको आप जरूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन फाइव इज यूज टेलर थ्योरम एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल दिस इन द पावर ऑफ एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू के फॉर्म में पावर में आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक की थी, एज इट इज इसको करना है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे एक्स माइनस टू प्लस टू। पावर में चाहिए तो इसको मैच बनाएंगे, इसको ए बनाएंगे, तो टू को इधर लिख लेते हैं और एक्स माइनस टू अलग कर लेते हैं। ये हमारा कंपेयर करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच से, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये एच की वैल्यू हो जाएगी। एक्सपेंड करेंगे इसको, एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू एफ डैश टू, एक्स माइनस टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश टू एंड एक्स माइनस टू क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश टू प्लस अप टू सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालनी है, एफ ऑफ टू, एफ डैश टू, एफ डबल डैश टू, ये आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपके पास, पॉलिनोमियल है टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। एफ डैश करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स प्लस वन। एफ डबल डैश जहाँ तक जीरो आ जाता है वहाँ तक निकालते जाइए इसको, ठीक है, प्लस फोर्टीन। थर्ड करते हैं, ट्वेल्व आ गया और फोर्थ में जीरो आ जाएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव यानी यहाँ तक आपको एक्सपेंड करना है और इन टर्म्स को एज इट इज रखना है। टू फैक्टोरियल को हम सॉल्व करके टू लिख सकते हैं और थ्री फैक्टोरियल को सॉल्व करके सिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है एफ ऑफ टू, एफ डैश टू, यानी यहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे टू पुट करिए और वैल्यूज निकालिए एंड पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन बाय एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय ए क्यूब माइनस अप टू सॉल्व। यहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया है कि आपको कौन सी सीरीज अप्लाई करनी है, किस पावर में निकालनी है, तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक्स माइनस ए की पावर यहाँ पे वन चल रही है, यहाँ पे टू पावर जा रही है आगे, यानी इंक्रीज किसकी हो रही है पावर, एक्स माइनस ए की। यानी कि आपको एफ ओफ एक्स की वैल्यू होती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारा एफ ओफ एक्स होता है, इसको एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, समझ गए, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आगे क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें एक्स माइनस ए की पावर बनानी है ना, तो ए ऐड करेंगे और ए ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। एक्सपेंड करते हैं एफ ऑफ ए, ये हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी, इसको कोई यूं मत सोच लेना कि डिवाइड में है, इसको हम एच की वैल्यू लेके चलेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया कि कन्फ्यूज हो जाऊँ कि डिवाइड में एच कैसे आया, प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। स्क्वायर तक ही पूछा गया है, आगे छोड़ दीजिए। अब निकालते हैं हम यहाँ से, एफ ऑफ एक्स दे रखा है वन बाय एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इज टू बाय एक्स क्यूब, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू वन बाय ए, एफ डबल सॉरी डैश ए की वैल्यू माइनस वन बाय ए स्क्वायर, एफ डबल डैश ए इज अ टू बाय ए क्यूब। और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे इस सीरीज़ में, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, दिस इक्वल टू एफ ओफ ए इज अ वन बाय ए प्लस एक्स माइनस ए। इनको आपको सॉल्व नहीं करना, ये जो ब्रैकेट की टर्म्स यानी जो हम पावर बोलते हैं इनको आप एज इट इज रखेंगे। एफ डैश की वैल्यू है माइनस सॉरी माइनस हम यहाँ पे ले लेते हैं वन बाय ए स्क्वायर। आगे हमारे सेकंड टर्म नेक्स्ट है एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल को आप लिखेंगे टू और यहाँ से आ जाएगा टू अपॉन ए क्यूब एफ डबल डैश की वैल्यू अप टू सॉल्व। टू से टू कैंसिल, आ गई हमारे पास सेम सीरीज।
ठीक है। तो इस तरह से जिसमें गिवन नहीं होता उसमें आप खुद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट एफ ओफ एक्स इक्वल टू एफ ओफ एक्स प्लस ए माइनस वन एफ डैश एक्स, ए माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स अप टू सॉल्व। यहाँ पे हम देखेंगे तो पावर हमारी क्या चल रही है, ए माइनस वन, ए माइनस टू है ना, इसकी पावर वन, यहाँ पे टू पावर। तो ए माइनस वन की पावर हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, फंक्शन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एफ ओफ ए एक्स है। अभी तक तो हमारे पास एफ ओफ एक्स होता था, इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते थे एंड एज इट यहाँ पे सेट हो जाता था जो भी हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एफ ओफ एक्स चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू एक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं टेलर सीरीज से एफ ओफ ए प्लस एच, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता ना तो इसको आप लिख लीजिए। अगर ये एफ ओफ ए प्लस एच क्या होता है, एफ ओफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, इस तरह से लिख लिया इसको लिखने। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स होनी चाहिए, समझ गए, यानी ए की वैल्यू एक्स है, तो इसी टर्म को आपको ऐड करना पड़ेगा, इसी को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास तो ए एक्स है। ठीक है, तो एफ ओफ ए एक्स को कैसे हम सेट करते हैं, एफ ओफ ए एक्स हमने यहाँ पे ए ऐड कर लिया, सॉरी ए नहीं एक्स, क्योंकि इस ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, एक्स ऐड कर लिया और एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए ए माइनस वन, ये भी मिल गया और एक्स भी मिल गया। यहाँ से क्या करेंगे, एफ ओफ एक्स को तो हम अलग करते हैं प्लस वाले को, और ए एक्स माइनस एक्स को इकट्ठा लिख लेती हूँ मैं, ए एक्स माइनस एक्स। ठीक है, एफ ओफ एक्स यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ए माइनस वन इंटू एक्स मिल गया। अब इसको कंपेयर कर लिए एफ ओफ ए प्लस एच से, देन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स दिस इज, एंड एच की वैल्यू ए माइनस वन इंटू एक्स मिल गया हमें, ए माइनस वन। एक्स अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, देखिए कैसे करना है, यही आपको एक्स चाहिए हमें जो प्रूव करना है उसमें। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इस टर्म को एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, एफ ओफ एक्स प्लस कंप्लीट हमारा एच है, ए माइनस वन इंटू एक्स, दिस इज एच, ये एच, एफ डैश एक्स प्लस ए माइनस वन, क्योंकि ये कंप्लीट एच है तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा एच है आपका। ठीक है, डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सॉल्व। वैल्यू किसी की भी नहीं पुट करनी, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे हमें कुछ ऐसा तो गिवन नहीं है कि एफ एक्स की कुछ वैल्यू दे रखी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, एफ ओफ ए एक्स, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इन दिस। तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे करना है, सिर्फ चेंज यहाँ पे करना है। ये कैलकुलेशन अगर आ जाती है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.3, और 3.4 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी, और पूरे क्वेश्चन ही करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पीडीएफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी से लिंक कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।